सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में कुख्यात अपराधी मुक्का पहाड़ी के भाई इंदल गैंगवार में मारा गया। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, ये सभी न्यूज 24 के लिए सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता अशफाक खान की। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में सोमवार दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने चंदेश्वर महतो के पुत्र इंदर महतो को गोली मारकर हत्या कर दी। इंदल का सात भाई बताया जा रहा है, जिसमें तीसरे नंबर पर इंदल उसका भाई मुक्का और मुकेश कुख्यात अपराधी था, वो भी गैंगवार में मरा और इंदल को भी अपराधियों ने बीच चौराहे पर गोलियों से खून डाला। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक सोनबरसा बस स्टैंड में इंचार्ज था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व से मृतक का विवाद चल रहा था। बीते 3 वर्षों में परिवार में तीसरे भाई की हत्या हुई। मृतक की पत्नी पूनम देवी का रोड़ों कर बुरा हाल है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सोनबरसा में आए दिन गोलियां बरस रही हैं, आम लोग दहशत में। इंदल के कुख्यात अपराधी मुकेश कुमार मुक्का को भी सितंबर 2017 में अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। जून 2019 में मुक्का का भाई पहाड़ी को भी अपराधियों ने इसी तरह से मौत का घाट उतार दिया था। जून 2019 में बस स्टैंड में पहाड़ी को मारी गई थी गोली। किस तरह की हत्या है? पटरन दृष्ट है तो उसको मतलब कुछ लोग के द्वारा जो है गोली मारा गया है और इसकी जांच किया जा रहा है कि ये घटना पारित करने के पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो है उसको जांच टीम गठित करके जो है उसका जांच किया जा रहा है, जल्दी पता चलेगा। इसके दो और भाई की जानकारी है कि पिछले 2 सालों में हाँ थोड़ा यहाँ पर जो लग रहा है कि आपसी वर्चस्व में या फिर आपसी रंजिश में इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह पाए गए।